तो अभी तक हमने कुछ प्रोसेसेस डिस्कस किए हैं, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, और कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, हाँ। और कौन से प्रोसेस बचे हैं अभी हमारे? एडियाबेटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस और फ्री एक्सपांशन प्रोसेस, राइट? तो आज हम लोग देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। ओके, हेडिंग डालो, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, हेडिंग डालेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट मुझे बताओ एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या स्पेशलिटी है? कौन सी चीज कांस्टेंट होती है, कौन सी चीज जीरो होती है, आपको क्या पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में? हीट कांस्टेंट, कांस्टेंट और जीरो, जीरो हीट, जीरो हीट, जीरो हीट, जीरो मतलब क्यू जीरो। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ना वो हीट लेगा ना ही हीट देगा। अगर ऐसी प्रोसेस बनानी है तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को इंसुलेट कर देंगे, है ना, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाओ बताओ फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ इज DQ = DU + DW, है ना। यहां पर हमारे Q जीरो होने के बाद ये टर्म हो जाएगा जीरो, देन वी कैन राइट DU = -DW। ठीक है, इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर मुझको इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो मुझे वर्क निकालना पड़ेगा और उसको माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी अगर निकालने बोला तो कुछ नहीं, वर्क ही निकालना है, पर उसको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। नेगेटिव वर्क इज द थिंग बट द इंटरनल एनर्जी। वेरी गुड। अब देखो, अगर मैं इसका पीवी ग्राफ बनाना चाहता हूं, पीवी डायग्राम, स्टेट नंबर वन, स्टेट नंबर टू, राइट, ये प्रोसेस भी हमको आइसोथर्मल की तरह ही कर्व दिखती है। अब ये प्रोसेस कर्व होने की वजह से, डेफिनाइट शेप नहीं होने की वजह से, हम लोग इसका वर्क डायरेक्ट एरिया अंडर द कर्व में नॉर्मल एरिया फॉर्मूला लगाकर नहीं निकाल सकते, है ना, हम लोग इसका वर्क नहीं निकाल सकते। इसलिए हमको भी इसका फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, है ना, हमें भी इसका फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, राइट। आओ फॉर्मूला किस तरह डिराइव करते देखते। अब हम लोग प्रोसेस प्रोसेस करने वाले हैं फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ वर्क ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखो, जिस तरह से आइसोथर्मल में PV = C था, यहां पर PV = γ = C होता है। याद रखने वाली बात, PV = γ = C होता है। सिंस क्या आप बता सकते हो गामा को क्या कहते हैं हम लोग? माइक ऑन करके बता सकते हो आप लोग? हाँ, CP/CV उसका फॉर्मूला, इसे कहते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स, इंडेक्स, है ना। तो गामा इज CP/CV, है ना। CP is मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ठीक है। अब मैं आगे पूछता हूँ, अब हमको क्या देकर रहेगा, बताएगा गैस किस तरह का है।
हमको बताएगा गैस मोनो एटॉमिक है या डायटॉमिक है, ठीक है। इफ गैस इज मोनो एटॉमिक, इफ गैस इज मोनो एटॉमिक देन गैमा की वैल्यू क्या होंगी बताओ। एक जनरल फॉर्मूला था याद करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस टू डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और गैमा ऑफ मोनो एटॉमिक क्या होगा बताओ फिर जल्दी से। 5/3 डिग्री ऑफ टर्म 3 होता है, 3 रख दिया, 3 प्लस 2 होता है 5, 5/3। सिमिलरली फॉर डायटॉमिक गैस 7/5, ठीक है। ये हम लोग यहाँ यूज करेंगे जिस तरह से, अगर वो स्टेटमेंट वो कोट करेंगे कि भाई हमारा जो गैस है वो मोनो एटॉमिक है, ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला में 5/3 ये लेंगे, डायटॉमिक है तो 7/5 ये लेंगे, ठीक है। इसका सीपी सीवी का भी वैल्यू लिख देता हूँ, इसका सीपी और इसका सीवी का क्या वैल्यू होता है, इसका सीसीपी का वैल्यू होता है 5/2 R, इसका सीवी का वैल्यू होता है 3/2 R, ठीक है। यहाँ पर इसका सीपी का वैल्यू होता है 7/2 R, इसका सीवी का वैल्यू होता है 5/2 R, ओके। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करती है, एमसीक्यू में बहुत हेल्प करती है, ओके। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द डेरिवेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। अब डेरिवेशन किस तरह से करेंगे देखो, पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी, ये अपने दिमाग में पक्की रखनी है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू इज पी इंटू डीवी, राइट। इन्फिनिटीसिमल छोटा सा वर्क, इसमें से मैंने छोटा सा वर्क निकाला तो ये हो गया मेरा छोटा सा, ठीक है। इस चीज को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि मुझे टोटल वर्क मिलता है, तो टोटल वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, ओके पी डीवी, ठीक है। लेकिन हम लोग किसी वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम तक ही जा रहे हैं, हमारी लिमिट कहां से आते हैं, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, है ना। यहाँ शुरुआत समझो इसको इनिशियल वॉल्यूम से हुई, खत्म वो फाइनल वॉल्यूम पे हुआ, है ना। हो सकता है यहाँ इनिशियल वॉल्यूम हो, खत्म हुआ फाइनल वॉल्यूम पर, तो इसकी ये जो लिमिट है वर्क निकलने की, तो इसकी लिमिट मुझे पता चल गई, वॉल्यूम इनिशियल टू वॉल्यूम फाइनल, तो मैं यहाँ पर उसकी लिमिट पुट कर देता हूँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इज इनिशियल वॉल्यूम, अपर लिमिट इज फाइनल वॉल्यूम, लोअर लिमिट इज इनिशियल वॉल्यूम, अपर लिमिट इज फाइनल वॉल्यूम। छोटे छोटे वर्क को अगर मैं इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम तक इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, टोटल वर्क, जिसको मैं W बोलूंगा, इसकी जगह मैं W लिख दिया, ठीक है। W इज इक्वल टू वी आई वी एफ पी ए इंटू डी, राइट, ओके। अब देखो सेम आइसोथर्मल वाली कंडीशन अभी आ चुकी है, आइसोथर्मल में भी इस तरह से हमने यहां तक इस स्टेप तक हम लोग आए थे, ओके। अब क्या होता है, मुझको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट में देखो यहाँ पे डीवी है, राइट, डीवी है, डीवी के साथ मुझे वी चाहिए, पर यहाँ पे वी नहीं है, वी है पी है, राइट। डीवी के साथ मुझे वी चाहिए होता है पर यहाँ पर पी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे, है ना। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट, पिछले बार हमने एडजस्टमेंट क्या की थी, मल्टीप्लाइड बाय वी एंड डिवाइड बाय वी, राइट। यहां पर हम लोग एडजस्टमेंट क्या करेंगे, एक काम करो इसका नोट बना लो और हम लोग अच्छे से क्लीन पे क्लीन इस पे करते हैं, ठीक है। इसका इतना नोट बना दो, वी आर ऑन अ स्टेज ऑफ डिराइविंग द वर्क फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। नोट होने के बाद मुझे बता देना, हो गया, कर लो आराम से, हो गया सर, पक्का हो गया, ऐसा कोई है जिसका नहीं हुआ, चलो अभी से इरेज करता हूं मैं।
Now, I got the basic formula for the work. What is that formula? That formula is integration of from initial volume to final volume of P into dV. ठीक है, हमें एक जनरल बात पता है, PV raised to gamma is constant. देखो PV raised to gamma constant है, और constant जो होता है, मैंने ऊपर लिख दिया, PV raised to gamma is constant. ये बात हमको पता है ऑलरेडी, राइट? ओके, PV raised to gamma constant होता है, ये हमें पता है, राइट? और हम लोग को ये बात भी पता है कि हम लोग इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं. तो हमारा एडजस्टमेंट जो किस तरह से होगा, एडजस्टिंग वी रेस्ट टू गामा टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, डिनोमिनेटर देखो किस तरह से करेंगे. अभी हम लोग वर्क जैसे के वैसे लिख दिया, इंटीग्रेशन का साइन इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम, पी जैसे के वैसे लिख दिया, इनटू वी टू द पावर ऑफ गामा इनटू वन अपॉन वी टू द पावर ऑफ गामा. अब इस तरह से एडजस्टमेंट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये कैंसिल ही होता है एक दूसरे के साथ. ये हो गया डी, है ना. पी इंटू वी रेस्ट टू गामा क्या होता है? पी इंटू वी रेस्ट टू गामा होता है C. तो ये हो गया वी आई वी एफ वन अपॉन वी टू द पावर ऑफ गामा इंटू डी वी. कॉन्स्टेंट जो होता है इंटीग्रेशन से बाहर आता है, मैंने कल प्रॉपर्टी लिखा के दी थी आपको, ठीक है, आ गया बाहर वन अपॉन वन टू द पावर ऑफ गामा इंटू डी वी. अभी हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे. चलो बताओ, इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था ना आपको, अब बताओ इसका आंसर क्या होता है. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, ठीक है, मैंने लिमिट पुट नहीं किया, डायरेक्ट आंसर बताओ उसका. x टू द पावर ऑफ n dx का फॉर्मूला अगर बताओ इसका आंसर क्या आता है. x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. अप्लाई करके बताओ, n की जगह 2 रखो, x क्यूब बाय 3 एक्स क्यूब बाय 3, राइट. अब बताओ अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह माइनस 2 लिख दिया, अब बताओ क्या बनेगा. एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाय माइनस, इस तरह से, है ना. अगर मैं एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 2 की जगह नंबर की जगह कोई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू लिखता हूं, जैसे ए लिख दिया, है ना, ए लिख दिया, अब बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा. एन की जगह माइनस ए प्लस 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन माइनस ए प्लस 1. अच्छा, अब बताओ इसकी जगह मैंने गामा रख दिया, गामा रखा तो ठीक है, मतलब ये मुझे हेल्प करेगा. अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो वन अपॉन वी टू द पावर ऑफ गामा, राइट. अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ला दू, अगर मैं इस चीज को न्यूमरेटर में ला दू, डब्ल्यू इक्वल्स टू सी इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम वी आई टू वी एफ, ठीक है, मैं अगर इसको डी डिनोमिनेटर में, राइट, मैं अगर इसको न्यूमिनेटर में लाता हूं तो इसका पावर क्या हो जाता है, माइनस माइनस दिस, राइट. अब देखो इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या हो सकता है. अभी वी टू द पावर ऑफ माइनस गामा, बताओ जिस तरह से एक्स टू द पावर ऑफ माइनस, हाँ, वी टू द पावर ऑफ माइनस गामा प्लस 1, राइट, अपॉन माइनस गामा प्लस 1, है ना. लेकिन यहाँ अपना काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ देखो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है और उसके साथ लिमिट है, तो
हमारा आंसर ये इंटीग्रेशन का आंसर है, लेकिन हमें लिमिट भी पुट करना होता है। तो सबसे पहले लिमिट लेफ्ट साइड में होती है, तो हमको लिखना पड़ेगा उसको राइट साइड में। किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट बनाने के बाद ये वाली वैल्यू यहां लिखेंगे, ये वाली वैल्यू यहां लिखेंगे। क्या किया? लेफ्ट साइड को राइट साइड में शिफ्ट। नेक्स्ट, ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूं? सब्स्टिट्यूट करता हूं सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन सब्स्टिट्यूट करने से पहले ये जो कांस्टेंट है, देखो गामा एक नंबर है ना, डायटोमिक रहेगा तो समथिंग 5/3, सॉरी मोनोएटॉमिक रहेगा तो 5/3, डायटोमिक रहेगा तो 7/5, राइट। इस तरह से नंबर है, ये कांस्टेंट चीज को बाहर ले लेता हूं पहले मैं, और गामा माइनस गामा प्लस वन को 1 - गामा लिख सकता हूं मैं, है ना। इस तरह से लिख रहा हूं। अब वी टू द पावर ऑफ माइनस गामा प्लस वन, इस पर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं। देखो अपर लिमिट पुट करेंगे अपन सी अपॉन 1 - गामा, अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, कैंसिल रहेंगे अपर लिमिट पुट करने के बाद। वी एफ, वी की जगह वी एफ माइनस गामा प्लस वन हो गया, अपर लिमिट पुट कर दिया। अब क्या करेंगे? माइनस पुट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट किस तरह से पुट करते हैं? वी आई टू द पावर ऑफ माइनस गामा प्लस वन, ठीक है, ये समझ में आया? माइनस गामा प्लस वन। एक थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ट्रिक करेंगे। यहाँ पे आपको स्टार मारना है, यहां तक तो आप सॉल्व कर लेते हो, इसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी चीज है थोड़ी सी। देखो क्या है, मैं क्या करता हूँ, सी अंदर ले लेता हूँ, सी अंदर ले लेता हूँ, तो ये हो गया 1 - गामा सी इंटू वी एफ टू द पावर ऑफ माइनस गामा प्लस वन माइनस, ये ब्रैकेट जिस पर दिया था वैसा, सिर्फ सी अंदर गया है, सी इंटू वी आई टू द पावर ऑफ माइनस गामा प्लस वन। यहां से ट्रिक क्या है वो समझ। अब मेरे पास जगह, एक मिनट, देखो अगर PV = C, ये इक्वेशन था, तो हम लोग इसको P1V1 = P2V2 इस तरह लिख सकते थे ना, है ना, याद आ रहा है? PV = C था, तो हम इसको P1V1 = P2V2 लिख सकते थे। तो उसी तरह से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अगर PV = γ = C है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, P1 या फिर PI VI = PF VF = γ = C, है ना, समझ में आ रहा है? इनिशियल स्टेट की जगह वन की जगह मैंने I लिखा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टू की जगह मैंने F लिखा, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो हमको एक कॉन्स्टेंट वैल्यू भी देने वाला है ना, हर बार। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मतलब मेरी C की वैल्यू आई कैन राइट इट एज PF VF upon to the power of gamma, और आई कैन राइट द C की वैल्यू ऑफ PI VI to the power of γ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? VF, यहाँ पर क्या है? VI, उसके साथ यहाँ पर देखो क्या लगा है? C, उसके साथ देखो यहाँ क्या लगा है? C। अब यहाँ पर जो C है ना, उसकी जगह पे ये जो देखो जो C है, उसकी दो अलग अलग वैल्यू में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? PI VI = γ भी लिख सकता हूँ और PF VF = γ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ट्रिक है हमारी ना, मेन कॉन्सेप्ट हमारा डेरिवेशन का जो एकदम ट्रिक पॉइंट होता है, जहां आप लोग को याद ही रहना चाहिए, ये अभी है। सी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे PF VF, यहाँ पर PF VF, समझा ना, PF VF पुट किया मैंने, और इसको VF को भी देखो, अब एक स्टेप में खा लेता हूं। देखो क्या करता हूं मैं, इसको समथिंग टू द पावर ऑफ, समझो x टू द पावर ऑफ a इनटू b है, x टू द पावर ऑफ a इनटू b है, तो मैं इसको x टू द पावर ऑफ a इनटू x टू द पावर ऑफ b लिख सकता हूं। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, x टू द पावर ऑफ a b रहा तो x टू द पावर ऑफ a x टू द पावर ऑफ b में लिख सकता हूं। तो यहां पर भी मैं क्या करता हूं, vf टू द पावर ऑफ माइनस गामा इनटू, है ना, x टू द पावर ऑफ a, सॉरी एक मिनट, इस तरह भी लिख सकता हूँ,
प्लस बी इस तरह से अगर रहता है, एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस बी अगर रहता है, आई कैन राइट एज एक्स टू द पावर ऑफ ए इंटू एक्स टू द पावर ऑफ बी. ठीक है, जिस तरह से लिख सकता हूं तो मैं यहां लिखता हूं, देखो एक्स टू द वी एक्स टू द पावर ऑफ गामा इंटू वी एफ, समझ में आ रहा मैंने क्या किया, माइनस यहां पर जो सी है उसकी जगह में पी आई वी आई रेस टू गामा पुट कर सकता हूं, पी आई वी आई रेस टू गामा इंटू वी आई टू द पावर ऑफ माइनस गामा इंटू वी आई. ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होता है, ये टर्म और ये टर्म कैंसल है क्या, नहीं ये टर्म और ये टर्म कैंसल, क्यों, वी एफ टू द पावर ऑफ गामा इंटू वी एफ टू द पावर ऑफ माइनस गामा एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, ये वन अपॉन वी एफ हो गया, वी एफ अपॉन वी एफ वन, समझ में आ रहा है, तो इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ. नाउ द न्यू फॉर्मूला फॉर द वर्क विल बी, वर्क इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस गामा इंटू पी एफ बी एफ माइनस पी आई बी आई, दिस इज द फाइनल इक्वेशन. ठीक है, समझ में आ रहा है, आप जिसको नहीं समझा एक बार डाउट पूछ लो, अगर जिसको डाउट होगा तो एक बार वापस से बताऊ, लास्ट और लास्ट लास्ट. हाँ तो मैं नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की कमी है यार, हमारे पास क्या है, स्पेस की कमी होने की वजह से ना बहुत रिस्ट्रिक्शन आ चुके हैं, बहुत सारी बातें, जैसे ये चीज हमको लिखना चाहिए था यहाँ पर. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट बना लो, इसको मैं लास्ट स्टेप फिर से लिख कर बताता हूँ, है ना, आपको यहाँ तक समझा होगा, कहाँ तक समझा होगा, यहाँ तक समझे आप लोग, सी से अंदर मल्टीप्लाई किया वो समझा, हाँ सर, हाँ ये स्टेप के बाद में फिर से लिख के बताता हूँ, है ना. अब इसका पहले एक क्या करते हो, नोट बना लो इस चीज का पहले, ठीक है, मैं यहाँ से फिर से अच्छे से लिख के बताता हूँ, जो लोगों ने नोट नहीं बनाया उनके लिए, अगर आप चाहते हो जल्दी से नोट बना लो, मैं पूरा रब करने वाला हूँ और यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, हमारे की पॉइंट्स है, चलो चलो खो चुका हूंगा मैं, अभी रब करता हूँ. स्पेस रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो बड़ा डेरिवेशन होता है उसे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ता है. एक्चुअली ये डेरिवेशन अगर वन वन स्टेप में लिखा जाए, अगर बड़े बोले समझने में काफी आसानी होती है. माइक ऑन है किसका, तो ये स्टेप समझ में आई थी हमको, क्योंकि यहां तक हमारा हो गया था. अब ये वाली स्टेप पर देखो हमने क्या किया, ये वाली स्टेप में क्या किया, हमने सी अंदर डाल दिया, तो वर्क क्या हो गया हमारा, वन अपॉन निकाल लो दबा, हाँ महेश और शिवम आपके माइक बंद हो जाना चाहिए. महेश आपका माइक ऑन है, सी इंटू C into VF, VF the power of minus gamma plus 1 minus C into VI to the power of minus gamma plus 1. ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हो. देखो मैंने क्या किया, यहां पे जो C था उसको अंदर डाल दिया, यहां तक आप समझ चुके हो. अब मैं उसको और अच्छे से लैबोरेट करके लिखता हूं. Since P1 V1 raised to gamma is equals to P2 V2 raised to gamma is equals to C. इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कोई भी अगर PV raised to gamma अगर होता है, P to gamma C होता है, हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, वन मतलब इनिशियल स्टेट, टू मतलब फाइनल स्टेट, है ना, तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट की जगह हम लोग इनिशियल और I I और F का इस्तेमाल करते हैं, ये इस तरह से, ये
इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, हम लोग इसका ही अभी इस्तेमाल करने वाले थे। अब यहाँ पे vf है ना, vf यहाँ पे vf है, तो मैं c की वैल्यू, मेरे पास ऑप्शन है ना, c की वैल्यू मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं c की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ, c की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन है ना, यहाँ पर vf है, तो मैं c की वैल्यू कौन सी वैल्यू पुट करूँ, ऑप्शन नंबर वन या ऑप्शन नंबर टू, कौन सी पुट करूँ, मुझको हेल्प करेंगी जो आगे जाकर, टू ऑब्वियसली। यहाँ पर बताओ मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर टू, तुम कौन सा पुट करूँ, वन, तो मैं वही करने वाला हूँ, वही चीज करने वाला हूँ। वर्क इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस गैमा इनटू, ठीक है, यहाँ देखो पी एफ वी एफ रेस टू गैमा, ठीक है, वी एफ टू द पावर ऑफ माइनस गैमा प्लस वन। यहाँ देखो पी आई वी आई टू द पावर ऑफ गैमा इनटू वी आई टू द पावर ऑफ माइनस गैमा प्लस वन। ओके, मैंने ये पुट कर दिया, ये एक बॉक्स साइड में लिख कर रख लो। ओके, अब क्या करता हूं मैं, अब क्या करता हूं, वन अपॉन वन माइनस गैमा जैसे के वैसा है, राइट, पी एफ वी एफ जैसा के वैसा है। अब इसको देखो मैं क्या करता हूं, वी एफ है ना, हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस बी अगर होगा तो वी कैन राइट इट एज x to the power of a into x to the power of b, है ना, x to the power of b। अगर x to the power of a minus b होता तो किस तरह लिखते थे, x to the power of a divided minus x to the power of, नहीं हाँ divided by तो बाद में होता था ना, और इसको इसको और हम लोग करते हैं तो किस तरह लिखते थे, x to the power of a, ये minus है तो नीचे जा सकता है, x to the power of b, इस तरह से हम लोग लिख सकते थे, है ना। अब यहाँ पे भी देखो f टू द पावर ऑफ माइनस गैमा इंटू वी एफ टू द पावर ऑफ वन, वी एफ टू द पावर ऑफ माइनस गैमा वी एफ टू द पावर ऑफ वन, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, पी आई वी आई टू द पावर ऑफ गैमा वी आई टू द पावर ऑफ माइनस गैमा इंटू वी आई टू द पावर ऑफ वन। होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। फिर से ये स्टेप लिख देना, ठीक है, ये स्टेप के बाद इसको इसमें कन्वर्ट करता हूँ, माइनस गैमा को नीचे लेके आ सकता, और यहाँ पे गैमा लिखना भूल गया था मैं, ठीक है, यहाँ पे गैमा लिखा है पी एफ बी एफ, ठीक है, इनटू इस चीज को मैं नीचे लेके आता हूँ, इस चीज को मैं नीचे लेके आता हूँ, ये हो गया वी एफ पावर गैमा है अपॉन, ये नीचे आ जाएगा तो वी एफ टू द पावर ऑफ गैमा बन जाएगा माइनस पी आई वी आई वी आई, ये पावर गैमा पे है, ये हो गया वी आई टू द पावर ऑफ गैमा बन जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है। अब देखो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को काट देगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर एक दूसरे को काट देगा, तो क्या बचता है, देखो वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू पी एफ, देखो ये नीचे का डिनोमिनेटर का सब जाता है, बचा क्या है, पी एफ वी एफ, पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई, पी आई वी आई अपॉन डिनोमिनेटर, देखो ये वाली जो चीज थी वन माइनस गैमा, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, समझ में आया, अभी अब समझ में आया, अंदर डाला सी अंदर डाला, फिर हमारी जरूरत के हिसाब से ये बात हमको पता है, हमारी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे वी एफ था तो पी एफ वी एफ टू द पावर ऑफ गैमा लिखा, यहाँ पर पी आई वी आई टू द पावर ऑफ गैमा लिखा, लिख दिया सब्स्टिट्यूट कर, उसके बाद हमको ये पता है ना, अगर पावर एडिशन में होगा तो वो उस तरह से डिवाइड होता है, माइनस होगा तो उस तरह से डिवाइड होता है, ठीक है, ये कर दिया हमने। वो करने के बाद समथिंग टू द पावर ऑफ माइनस रहा तो वो डिनोमिनेटर में आता है, तो डिनोमिनेटर में लिख दिया, और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट जाएगा, बचेगा ये, चलो बना लो नोट इसको, मैंने इससे पहले क्या किया था, इससे डायरेक्ट ये स्टेप पे आ गया था, तो ये स्टेप भी लिखना जरूरी है ना आपको समझने के लिए, और ये एक्स्ट्रा सिंस सिंस करके लिख दो, सिंस ये बात लिखने के बाद सिंस दिस, आफ्टर दैट ये बात लिखने के बाद सिंस दिस,
उसके बाद ये वाला स्टेप, उसके बाद सिंस दिस ये वाला स्टेप, राइट आंसर हो गया, हो गया। तो ये अभी जो कल का डेरिवेशन था वो, और ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आज प्रैक्टिस कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लो, हाथ के नीचे से जाने दो, फिर आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। चलो फॉर्मूला यहां पर देखो, Q क्या होता है, जीरो, Q जीरो होता है, हम लोग समरी लिख रहे हैं, देखो Q जीरो होता है, उसके वजह से डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखो, अब हमने इसका फॉर्मूला निकाला, डेल्टा W का फॉर्मूला क्या रहता है, पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन वन माइनस गामा। इसको ना हम लोग, इसको ना हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन वन माइनस गामा, है ना। स्टेट स्टेट की बात है, जनरली हम लोग स्टेट वन स्टेट टू ऐसा इस तरह से बोलते हैं ना, तो स्टेट नंबर टू पी टू, स्टेट नंबर टू के प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम माइनस स्टेट नंबर वन का प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अपॉन वन माइनस गामा, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और मॉडिफाई करते, व्हाट इज पीवी इज इक्वल्स टू, व्हाट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, राइट। अब पी टू वी टू रहेगा, पी टू वी टू रहेगा तो ये बन जाएगा एन आर पी टू, राइट। पी वन वी वन रहेगा तो ये बन जाएगा एन आर पी वन, है ना। तो इसको सेंस बना के यहाँ लिखो, सेंस बना के ब्रैकेट में नॉलेज। अब इसको यहाँ अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो वर्क क्या हो जाएगा मेरा, वर्क क्या होता है, P2 V2 मतलब N R T2 minus N R T1 upon 1 minus gamma। N R common रहता, बाहर निकाल लू, N R common रहेगा, बाहर निकालेंगे T2 minus T1 upon 1 minus gamma, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला किसी भी चीज का। वन टू थ्री, ये हो गया फोर, ये लिख लो। और एक एक चीज यहाँ पे लिखना था, PV रेस टू गामा जो होता है कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक में, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बनते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब इसका माइनस होने की वजह से डेल्टा U क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा W, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन वन माइनस गामा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन पी वन वी वन, ये माइनस होने की वजह से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, गामा माइनस, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा। ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार वर्क याद हो गया तो उसको माइनस लगा के हम लोग बना सकते हैं, पर लिख लेंगे हम लोग। जल्दी से इसका नोट बनाओ और दो बातें बताएंगे मुझे, टाइम खत्म हो रहा है। हो गया, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, वन टू थ्री। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ा आगे बढ़ते हम लोग। देखो अभी जल्दी देखो, पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी, है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वी रेस टू गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, राइट। मतलब वी टू अपॉन वी वन टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू पी वन बाय पी टू, ये एक लिखने का तरीका हो गया। अगर मैं ये हो गया रिलेशन पी और वी में, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दू, प्रेशर को कन्वर्ट करूं, मुझे क्या पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, पी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय वी, है ना। ये चीज यहाँ पुट करेंगे, देखो एन लिख देता हूँ पहले, पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी, ये चीज यहाँ पुट करेंगे, ये क्या होता है, एन आर टी डिवाइडेड बाय वी अपॉन वी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू सी, ठीक है। एन और आर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, एन और आर कॉन्स्टेंट होता है, तो मैं टी इंटू बी टू द पावर ऑफ गामा इंटू बी टू द पावर ऑफ माइनस वन लिख सकता हूँ। ये डिनोमिनेटर मैंने न्यूमरेटर में लेके आ गया, राइट। जो कॉन्स्टेंट था इधर आ गया, तो वो भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो मैंने सी लिख दिया। मतलब मैं टी टू द पावर ऑफ
पावर ऑफ गैमा माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हो। ये एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2। इसका मतलब क्या आ गया, वी टू द पावर ऑफ गैमा माइनस 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब वी टू बाय वी वन टू द पावर ऑफ गैमा माइनस 1 विल बी इक्वल टू टी वन बाय टी टू। ये एक एक्सप्रेशन हो गया। लास्ट